आज आपसे चर्चा भी करनी थी। सबसे पहला तो है कि हम एडवाइजरी तो जारी कर रहे हैं, मगर आपके माध्यम से भी तमाम नागरिकों से ये आग्रह कर रहे हैं कि इस महामारी के बीच में जो साइक्लोन है टुकाटे, उसका जो फ्लो है वो धीरे धीरे गुजरात से राजस्थान होते हुए हरियाणा की ओर आ रहा है। और कल देर रात मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी दी है कि आज दोपहर से लेकर कल शाम तक हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर की विंड रह सकती है। और इसके लिए हम एडवाइजरी तमाम नागरिकों को जारी कर रहे हैं, उसके साथ तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को भी आदेश दे रहे हैं कि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग रहे और किसी भी जान माल का नुकसान ना, इसके लिए जो संबंधित प्रबंध करने हैं वो करें। मेरा तो एक आग्रह तमाम नागरिकों से है कि अगले 48 घंटे अपने आप को सुरक्षित रखें और घर के अंदर रहें, क्योंकि स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आर की है, ये इंक्रीज भी हो सकती है जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा। इस बार 1 अप्रैल से गेहूं की, सरसों की, 10 अप्रैल से दालों की प्रिक्योरमेंट हुई और आगामी 1 जून से सूरजमुखी की प्रिक्योरमेंट प्रदेश में रहेगी। टोटल जो आह्वान गेहूं का हुआ है वो 85,30,000 मेट्रिक टन हुआ है, जिसके अंदर पहली बार है कि रिकॉर्ड टाइम के अंदर 82,10,000 मेट्रिक टन हमने लिफ्टिंग भी करके गोदामों तक गेहूं को पहुंचा दिया है। सिर्फ 2 जिले हैं जिसके अंदर 95% से कम प्रिक्योरमेंट हुई है, वो फरीदाबाद और नू है। और उसका कारण यही रहा है कि वहाँ सेंट्रल एजेंसी प्रिक्योरमेंट ज़्यादा करती है, FCI, और उनके गोदाम सीमित हैं प्रदेश के लिए, तो हमने उनको एडिशनल मदद के लिए भी कहा है। और उसका यही प्रयास रहेगा कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर इनके अंदर भी हम पूरी तौर पर लिफ्टिंग करा रहे हैं। गेहूँ की जो आह्वान हुआ है उसके बदले में 15,598 लगभग 16,000 करोड़ रुपए की पेमेंट चारों विभागों द्वारा पुश कर दी गई है, जिसके अंदर लगभग 14,310 करोड़ रुपया हमारी स्टेट एजेंसी फूड एंड सिविल सप्लाईज, एफएड और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने किया है, और लगभग 1,290 करोड़ रुपया फूड सिविल सप्लाईज ने फार्मर्स के खाते में दे दिए। इस बार क्योंकि रेगुलर प्रोक्योरमेंट चली, रेगुलर 396 हमारी मंडियां थी और उन 396 मंडियों के साथ एडिशनली 12 ऐसे जिले थे जहां हमने प्रोक्योरमेंट सेंटर भी बनाए थे। पहली बार है देश के अंदर अगर फार्मर की पेमेंट डिले करी गई तो उसको 9% इंटरेस्ट के साथ उसकी पेमेंट दी गई, और जिसके अंदर लगभग 70,00,000 रुपया एडिशनल हमने उन फार्मर्स को दिया है जिनकी पेमेंट डिले को टेक्निकल ग्लिच के कारण हुई या फिर किसी अधिकारी के वजह से। रिकॉर्ड है कि प्रदेश के अंदर पहली बार जो हमारी प्रोक्योरमेंट हुई है, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज के लिए हो चाहे स्टेट एजेंसीज के लिए हो, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमने एक नए तरीके का किया था, ये फायदा हुआ कि टाइमली लिफ्टिंग रही। बारिश के बावजूद भी प्रदेश की किसी मंडी में अब तक हमें लस्टर लॉस की समस्या नहीं आई, जिसमें किसान का अनाज कहीं खराब हुआ हो, बड़ा हो, जो समस्या पिछले सालों में निरंतर हमने बड़ी मात्रा में देखी है। ऐसी कोई हमारी मंडी नहीं है जिसके अंदर आज के दिन बड़ी मात्रा में स्टॉक खड़ा हो, एक्सेप्ट वो मंडियाँ जहाँ हम स्टॉकिंग का काम पहले भी निरंतर करते आए। एक बड़ी अच्छी
चीज इस बार देखने को मिली कि लास्ट टाइम हमने 7 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा सरसों की खरीद करी थी एमएसपी के ऊपर, जो लगभग 4600 रुपये के आसपास। इस बार की एमएसपी 4650 रुपये थी और प्रदेश के अंदर 4 लाख के नज़दीक रजिस्टर्ड फार्मर्स थे। उसके बावजूद भी एक दाना सरकार को प्रोक्योर नहीं करना पड़ा और खुशी की बात है कि 4650 रुपये एमएसपी के बदले इस बार हमारी मंडियों में 7275 रुपये 7275 रुपीज पीक का सरसों का रेट गया है। ये मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव मार्केट बढ़ने से फार्मर को फायदा मिला, जिसके अंदर हमारे 3,22,000 फार्मर्स का रिकॉर्ड हमारे पास है जिनने मार्केट कमेटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर रखा है। जहाँ सूरजमुखी की बात है, 1 जून से सूरजमुखी की प्रोक्योरमेंट पूरे प्रदेश में होगी, जिसके अंदर 7 हमारी डेजिग्नेटेड मंडियां हैं, जिसके अंदर 8283 हमारे पास रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं। अगर कोई फार्मर छूटा भी है तो भी हम उसको एक दिन का मौका देंगे कि वो अपने आप को रजिस्टर करा ले और एग्रीकल्चर विभाग तुरंत उसको वेरीफाई कराने का काम करेगा। और आज के दिन जो एमएसपी है सनफ्लावर की वो 5885 रुपये है, 5885 रुपी पर क्विंटल। और जो कल हमारी शाहबाद की मंडी के अंदर ऑक्शन हुआ है, मेरे को साझा करते हुए खुशी होती है कि सूरजमुखी भी 6100 रुपये के दाम की पर क्विंटल की बोली कल लगी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने फार्मर्स हैं उनको एमएसपी से ज़्यादा हम अश्योर भी कर पाएंगे और आने वाले दिनों में सूरजमुखी को पूरी तरह पर खरीदवा भी पाएंगे। सरकार ने केंद्र से भी परमिट करा है कि हम केंद्र के लिए भी प्रोक्योरमेंट करेंगे और लगभग 25,000 क्विंटल की प्रोक्योरमेंट केंद्र के लिए हमें परमिट कर दी गई है। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे PWD के अधिकारियों को जिनके मेहनत से प्रदेश के अंदर 1000 बेडेड 500-500 बेडेड 2 हॉस्पिटल रिकॉर्ड टाइम पे बनाए गए, जिसकी डेडलाइन 20 तारीख तक थी, मगर तमाम अधिकारियों ने खासतौर पर हमारे 2 ACS पूर्व कुमार अनुराग रस्तोगी जिनने डेडिकेटेडली इसको मॉनिटर किया, हमारे दोनों EIC निहाल सिंह और राजीव अरोड़ा जिनने एक एक चीज को अलग अलग विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए टाइम से 4 दिन पहले कंप्लीट करने का काम किया है। और उसके लिए हमारे लेबर डिपार्टमेंट ने तुरंत वहाँ मेडिकल स्टाफ की कोई किल्लत ना पड़े 300 अपने अधिकारियों को डिप्यूट किया है, जिसके अंदर 136 मेडिकल ऑफिसर्स हैं, 88 फार्मासिस्ट हैं, 26 MPHS हैं, 17 लैब टेक्नीशियन हैं और 40 MPHW वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, जो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी को हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ डेपुटेशन पे जाकर काम करके सुचारू तौर पे चलेंगे। बिल्कुल इसके लिए हमें हमारी कई EIC डिस्पेंसरीज जो जिन शहरों में मल्टीपल डिस्पेंसरीज थी, कहीं 7 थी कहीं 12 थी, उनको जरूर कम करना पड़ा है, क्योंकि आज के दिन मेडिकल व्यवस्था कोविड की इस महामारी के अंदर दुरुस्त रहे उसके लिए हमारा प्राथमिक कार्य रहा। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्र को और हेल्थ सेक्टर में मजबूत किया जाए, पंचायती राज विभाग में भी बेहतरीन तरीके से कार्य करते हुए प्रत्येक जो हमारे 10,000 की आबादी से कम की पंचायतें हैं 6136, उसके लिए 18.5 करोड़ रुपया कि वहाँ आइसोलेशन वार्ड बढ़े, और 10,000 की आबादी से ऊपर के जो हमारे लगभग 100 गांव हैं उनके अंदर 5 करोड़ रुपया सेंक्शन किया है, जिससे आइसोलेशन वार्ड प्रॉपर बन पाए। और आइसोलेशन वार्ड के अंदर 5 सदस्य हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम के रहेंगे और 5 सदस्य ग्राम टीम के रहेंगे, जिसके अंदर नंबरदार, पूर्व सरपंच, एक महिला सरपंच या मेंबर और 2 गांव
गांव के मुख्य लोग जो डे टू डे उस आइसोलेशन वार्ड की फैसिलिटी को देखते रहे। कई चीजें हमने परमिट भी करी है जो आइसोलेशन वार्ड पर तुरंत अगर कोई ग्रामीण व्यवस्था के अंदर चीज उपलब्ध नहीं होती तो लोकल लेवल पर परचेज कर कर ला सके। जैसे डिप्टी कमिश्नर्स को पहले हमने सैंक्शन करे थे 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपया कि ऑक्सीमीटर और इस तरह की चीज़ें ले ले। आज के दिन स्टीमर्स हैं, ब्लड प्रेशर मशीन है, ये और कई इक्विपमेंट थे। तो आज हमने लिबर्टी दी है कि प्रत्येक गांव में आइसोलेशन वार्ड में अगर इन चीज़ों की जरूरत रहे तो हेल्थ सेक्टर को ओवरबर्डन ना होना पड़े, उसके लिए ये अधिकृत कर दिया गया है। कल 10,000 जो 6136 पंचायतें हैं उनमें 18.5 करोड़ जिनमें आबादी 10,000 से कम की है और लगभग 98 गांव है 10,000 की आबादी से ऊपर, उनके अंदर 4,90,00,000 रुपए जो वो गांव है जिनकी आबादी 10 से ऊपर है। कल हमने हरडा की जो बताए थे हेल्थ सेक्टर वाले गांव वाले वो कल ब्रीट हो जाएगा गांव में, क्या इनको जो हेल्थ सेक्टर का जो करने को ऑक्सीमीटर वगैरह खरीदने की अनुमति दी है वो भी दे रखी है डिप्टी कमिश्नर को कि वो अपने लेवल पर प्रोक्योर करके डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत प्रत्येक गांव में पहुंचाने का काम करे, जिससे जो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन हैं जो डिटेक्ट कर सकती है प्राइमरी स्टेज पर कि कोविड है या नहीं किसी पेशेंट को, उसको आइसोलेशन वार्ड तक पहुँचाए और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करी जाए, इसके लिए हमने परमिट किया है। कल हमारे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड है उसकी बैठक थी और बेहद खुशी के साथ साझा करता हूँ आपके कि हमने फेज़ 1 पूरी तौर पर कंप्लीट कर लिया था। फेज़ 2 की PMGSY की कई रोड DLP के अंदर थी जो कि 98% अब पूरी तौर पर कम्प्लीट हो चुकी है। PMGS फेज़ 3 के अंदर हरियाणा आज नंबर 1 पर रहा है, जिसके अंदर हमने जो हमारा पार्ट 1 था PMGSY 3 का उसके अंदर 419 सड़कें ली थी जिसका किलोमीटर लेंथ थी 4,565 किलोमीटर। ये तमाम सड़कें कंप्लीट हो चुकी हैं। जो इसका बैच 2 था, बैच 2 के अंदर 103 सड़कें 103 प्रोजेक्ट्स थे जिसके अंदर 85 सड़कें थी और 18 ब्रिजेस थे जिसकी कुल कॉस्ट 919 करोड़ थी। इसमें 110 किलोमीटर बनने हैं जिसके अंदर से 963 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी जो हमारा बैच 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 है दोनों का सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन आ चुका है। हरियाणा पहला स्टेट है जिसको बैच 3 के भी दोनों पार्ट्स का सैंक्शन मिल चुका है। इसके अंदर जो हमारा बैच 3 का पार्ट 1 है इसके अंदर 83 रोड्स हैं 600 लगभग 79 किलोमीटर की जिसका कॉस्ट है लगभग 383.6 करोड़। और फेज 3 का बैच 2 जो है उसके अंदर 120 सड़कें हैं जिसकी कुल लेंथ 1,216 किलोमीटर है और कुल कॉस्ट जो उसका आएगा वो लगभग 550 करोड़ के आसपास आएगा। तो हमारा जो फेज 3 होगा इसके अंदर 203 प्रोजेक्ट्स हैं 1906 किलोमीटर के जिसका टोटल कॉस्ट 982 करोड़ आएगा, जो केवल मात्र रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करेगा। जहाँ तक कोविड की बात है निरंतर आप लोग अपडेट भी लेते आए हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह में हमारे मेडिकल स्टाफ ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहद अच्छा काम करके जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है उसको नीचे लाने का काम किया और पिछले 2 दिनों में बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जहाँ जितने लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उससे बड़ी मात्रा के अंदर लोग ठीक होकर तंदुरुस्त होकर अपने घर के अंदर जा रहे हैं और पिछले 2 दिनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जहाँ रिपोर्टिंग ली है वहाँ यही आ रहा है कि अब जो बिल्कुल अल्ट्रा क्रिटिकल पेशेंट्स थे उनके भी नंबर रिड्यूस हुए हैं और जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे पेशेंट्स थे उनके भी नंबर बड़ी मात्रा में रिड्यूस हुए। अब आपके तो सवाल शुरू रहा आज एक्साइज ईयर खत्म होना था, ये सरकार ने फैसला लिया था कि पिछली बार भी लॉकडाउन
जो था उसके अंदर हमारे वेंट पूरी तौर पर बंद थे, आज भी पूरी तौर पर बंद है। तमाम डीटीसीज को पहले हिदायत दे दी गई थी और ये हमने फैसला लिया है कि जितने दिन लॉकडाउन रहेगा प्रदेश के अंदर उतने दिन हम अपने एक्साइज ईयर को, जो करंट एक्साइज ईयर है, उसको एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इस दौरान हमारी एक बड़ी मेहनती डीटीसी थी, वो कोविड की चपेट में आकर हमारा साथ छोड़ के चली गई। कई हमारे और अधिकारी थे वो हमारा साथ छोड़ कर चले गए। प्रॉपर ऑक्शन आने वाले एक्साइज ईयर की हो जाए इसके लिए डिपार्टमेंट ने निर्णय। सर, शराब की तस्करी न हो इससे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? तो कई जगह से ऐसी शिकायतें भी। देखिए, जहाँ तक हमारे प्रदेश के अंदर डिस्टिलरीज की बात है, उनके कोई भी नए परमिट वहाँ से रिलीज के इशू नहीं हुए हैं। जो हमारे वेयर हाउसेज हैं जिनको L1 L13 बोलते हैं, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करी हुई है, रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन है। और जो दूसरे प्रदेशों से आ रहा है उसके लिए हमने पुलिस को भी लिखित तौर पर हिदायत दी है कि बॉर्डर्स पर सख्ती बढ़ाई जाए, क्योंकि बड़ी मात्रा में, क्योंकि पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में आज वेंट्स खुले हैं, उन प्रदेशों से आज हमारे प्रदेश में शराब आ रही है और उसके लिए पुलिस को हमने पहले हिदायत दी है कि वो बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाए। सर, इससे लॉस कितना हो रहा है पर डे पर मंथ का? अगर हमारे एक्साइज ईयर के अंदर तो जितने दिन एक्साइज ईयर 365 का है चलेगा, उसके बाद ही लॉस प्रॉफिट दी जाएगी। आज के दिन तो जीरो डे है। अगर वेंट बंद है और हम उसको आज कंपेयर नहीं करें तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट को इससे कोई रेवेन्यू। छोटी क्लेरिफिकेशन, जो 2020-21 का एक्साइज ईयर 19 मई को खत्म होना था, जितने दिन लॉकडाउन पीरियड रहेगा उतने दिन इस करंट एक्साइज ईयर को हम एक्सटेंड करेंगे कि हमारा 2021-22 का एक्साइज ईयर जो है वो प्रॉपरली चल पाए, उसका प्रॉपर ऑक्शन हो पाए और प्रॉपर हमारे वेंड स्टैब्लिश। एक जो एक लॉकडाउन से जो इंडस्ट्री है वो कितनी चलती है, कितना हमारा वैट कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन पे असर पड़ा है, वो अगर आपको डाटा हो। जब वैट कलेक्शन की बात है, डाटा पेट्रोल का और डीजल का हमने मंगाया था और जब से प्रदेश में लॉकडाउन लगा है 27% हमारी डीजल की सेल और 30% पेट्रोल की सेल में गिरावट आई है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे VAT कलेक्शन पर आता है। उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको केंद्र के आदेश अनुसार बंद किया गया है और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जो आज, क्योंकि मार्केट डिमांड बड़ी लिमिटेड है, उस कारण बंद हुई है। मगर हमारी ओर से सरल हरियाणा पोर्टल पर कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी इंडस्ट्री को आज ऑपरेशन के अंदर परमिट करने पे रोका गया। पंजाब में एक फैसला किया गया है कि जो गांवों को 100% वैक्सीन लगवा लेंगे उन्हें 10 लाख रुपए जो है वो दिया जाएगा। हमारी सरकार ने ऑलरेडी इंटरनेशनल टेंडर वैक्सीनेशन का फ्लोट कर दिया है। हमारा प्रयास है कि अधिक मात्रा में वैक्सीनेशन प्रिक्योर करी जाए उन कंपनी से भी जो ICMR द्वारा अप्रूव्ड है और इंटरनेशनली अवेलेबल है। मतलब आज एक आर्टिकल पढ़ के हैरान हुआ कि रशिया ने टूरिज्म शुरू कर दिया वैक्सीनेशन। मुझे लगता है आज के दिन केंद्र सरकार ने पूरी तौर पर वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग को देखने का काम किया। कोविन के माध्यम से एक एक नागरिक अपने आप को कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी जनसंख्या 130 करोड़ की है, आज उसके अंदर वैक्सीनेशन की मैन्युफैक्चरिंग एक बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है। और मैं तो आज पढ़ रहा था जो हमारे केंद्र के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी प्रेरित किया है महाराष्ट्र में कई कंपनीज को कि वो टाई अप करके वैक्सीनेशन प्रोडक्शन और प्लांट्स में भी शुरू करें। हम भी प्रदेश में देखते हैं कि कितनी ऐसी फार्मा कंपनीज हैं जो ये जो 2 वैक्सीनेशन है हरियाणा के इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है, भारत बायोटेक की और सीरम इंस्टीट्यूट की, इनके साथ टाइप कर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए। डॉक्टर रेड्डी लैब्स के MD से भी मेरी चर्चा हुई है कि जो स्पुतनिक इंडिया में परमिट गई गई है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हरियाणा में किसी प्लांट पर कराए। और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर हम प्रयास करेंगे कि टाइप कर स्पुतनिक का भी बिजनेस टू गवर्नमेंट प्रिक्योर कर हम अपने सिटीजन को प्रोवाइड कर पाए, डिपेंडिंग उनकी अवेलेबिलिटी क्या है। वो सर, जो गांव है उनको कोई नुकसान करेंगे 100% अगर आबादी गांव की? पहले हम जो है
इंश्योर तो कर पाए कि उस जनसंख्या के लिए टाइमली वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। अभी तो ये क्राइसिस आ रखे हैं दिल्ली के अंदर जो हम देखते हैं, यह शोर ज्यादा है कि सेकेंड डोज भी अवेलेबल नहीं। हमारे प्रदेश में तो ये दिक्कत नहीं है, टाइमली सेकेंड डोज हर नागरिक को मिल रही है और फर्स्ट डोज के लिए भी ये डाटा भी सामने आया है कि हमारे जो बॉर्डर के एरियाज हैं, जितने हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं या सेंटर्स हैं जो बॉर्डर पे हैं, दूसरे प्रदेशों से भी लोग आकर वैक्सीनेशन करा कर जा रहे हैं, बिकॉज नेशनली ये सब कोविन के ऊपर मॉनिटर किया जा रहा है। मगर हमने ये दायित पहले भी इशू कर दी है कि शहरों के साथ साथ गाँव के अंदर भी बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाएगी। ग्रामीण अंचल में 30 से 50 हज़ार के आपने कहा था जो गांव में आइसोलेशन सेंटर के लिए सहायता मिलेगी, कितने पंचायतों को मिल गई है और क्या? तमाम पंचायतों को स्टेट से रिलीज कर दिया गया है, यूटिलाइजेशन भी प्रॉपरली इंश्योर करी जा रही है। आज के दिन अधिकतम गांव के लोगों ने सरकार के साथ जुड़कर अपने लेवल पर आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए हैं। और मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, हमारे एमएलसी है उत्तर प्रदेश में संजय लाठर, उनका मेरे पास फोन आया कि उनके स्वयं गांव में बूढ़ा खेड़ा लाठर के अंदर कोविड का इंक्रीज हुआ है, स्पेशल कैंप वहां लगाया गया, उनके गांव के अंदर 500 से अधिक लोगों को जो हमें आशंकित थे उनको टेस्ट कराया गया। और ये एक केस नहीं है, ऐसे सातरोड का भी एक केस सामने आया हिसार के अंदर, बड़े गांव के अंदर क्योंकि टाइमली डिटेक्शन नहीं हो पाए, कई लोगों ने बुखार आने पर रिपोर्ट नहीं करी गई, इसलिए प्रॉपर टेस्टिंग प्राइमरी फेज में नहीं हुई। आज के दिन तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को रैपिड टेस्ट किट्स के साथ भी इक्विप कर दिया गया भारी मात्रा में, और आरटीपीसीआर की रिपोर्टिंग और कैपेसिटी को भी इंक्रीज किया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आरटीपीसीआर हम करा पाए। और रैपिड टेस्ट के अंदर भी अगर किसी का रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आता है तो उसको भी तुरंत आइसोलेशन वार्ड में मूव किया। सर एक सवाल है, आप इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, हरियाणा में अगर ट्यूबवेल कनेक्शन की बात की जाए तो केवल एक ही कंपनी को परमिटेड किया गया है हरियाणा की, कि जो ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए मोटर सेल कर सकती है हरियाणा में, जबकि ट्यूबवेल की जो मोटर्स बनाने वाली बहुत सी कंपनियां, उनको बहुत आपत्ति है, उन्होंने सरकार को भी लिखा। तो ऐसे में जब इंडस्ट्री की मोटर हरियाणा में नहीं खरीदी जाएगी तो वो केंद्र सरकार के आदेश अनुसार पहले तो केवल मात्र एक ही कंपनी परमिटेड थी जो 5-star मोटर बनाती थी, उसको अब 3-star मोटर कन्वर्ट कर दिया गया है। पिछले दिनों हमने उसकी मॉनिटरिंग करी और उसके अंदर 7 कंपनी देश भर से आई, जिसमें एक हरियाणा की परमिट। कई साथियों ने इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनने भी मेरे को लिखित तौर पर भेजा है, और इसके लिए मैंने पावर डिपार्टमेंट की कल बैठक बुलाई है, जिसके अंदर फिर हम ये निर्णय लेंगे कि इसको प्रॉपरली रिव्यू किया जाए। और जितनी हमारी ऐसी एमएसएमई है या इंडस्ट्री है जो आज के दिन समर्सिबल मोटर ट्यूबवेल की बनाती है, जो 3-star रेटिंग जो सेंटर निर्धारित है उसको अगर ले सकती है तो बिल्कुल उनको भी आने वाले समय में परमिट। ये मैंने आपसे पूछा था इंडस्ट्री हमारी चल कितनी रही है, मैं डाटा आपके साथ 30% 20% 40% 70% के आसपास इंडस्ट्री से ऊपर हमारे पास रिव्यू आए हैं। और सर बीते दिनों जब गांव में कोरोना का संक्रमण जब से स्पाइक होना थोड़ा शुरू हुआ है, कुमारी शैलजा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर किसान नेताओं की बात करें गुरु नानक, उन्होंने भी चौटाला गांव का जिक्र किया कि वहां पर संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, चार वहां के जो एमएलए है उस परिवार से, लेकिन उसके बाद भी आज तक भी उस गाँव में जो अगर सैनिटाइजेशन की बात करें और तमाम चीजों की बात करें वो नहीं हुई। करेक्ट करना चाहूँ, हमारा गाँव तो छोटी आबादी का गाँव नहीं है, लगभग 20,000 की जनसंख्या है, उसके अंदर 2 बार सैनिटाइजेशन भी हो चुकी है, स्पेशल मेडिकल चेकअप कैंप्स भी लगी है, उसके अंदर एक 2-मंजिली हॉस्पिटल भी है जहाँ डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन सिलेंडर क्योंकि हिसार से भरकर आता था उसके अंदर देरी होती थी, जिसका एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया,
उसके लिए सर मैंने भी 17 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वहां परसों पहुंचा दिए थे कि इस तरह के स्टॉक ग्रैब अरेंजमेंट हम बना पाए। और ये कोई एक चौटाला गांव की बात नहीं है, ये जो मैं 98 गांव बता रहा हूँ जिनकी आबादी 10,000 से ज्यादा है, प्रत्येक गांव उठाओ आप, सिसाई उठा लो, मोखरा उठा लो, मदीना उठा लो, सीसवाल उठा लो, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसकी 10,000 से ऊपर की आबादी हो वहां संक्रमण ना फैला। कारण उसका यह है कि कई तथाकथित नेता ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन ना लगाओ, कई लोग कहते हैं कि लॉकडाउन का पालन ना करें, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों ने आज इस महामारी को और फैलाने का काम किया। सर जो हिसार में पूरा घटना कर हुआ, किसानों के मामले दर्ज हो गए, कितनों जगह मामले वापस ले लिए, ये जो पूरा लगता है कि सरकार का रवैया थोड़ा नरम था, आने वाले दिनों में भाई हिसार वाली घटना पे तो कुछ नहीं कहूंगा, मगर उन 40 नेताओं से कहना चाहूंगा कि नवंबर से लेकर आज मैया 3 कानूनों पे एक भ्रम फैलाया गया और कहा गया कि किसान को मार देंगे, उसके दाम घटा देंगे। मैंने आपके साथ सरसों का डाटा शेयर किया, उन कानूनों को ना इंप्लीमेंट करने के बावजूद स्टेट ने जो चेंजेस अपने पॉलिसी में करे, आज MSP से 2,500 ऊपर कीमत पर सरसों बेच रही, सूरजमुखी आज MSP से 300 रुपए तेजी पे चल रही है, दाल चने हमारे प्रदेश के अंदर एक दाना भी मंडी में नहीं आया। आज के दिन फार्मर को स्ट्रेंथन हमने किया कि हमने 15,500 करोड़ से ऊपर किसान के खाते में सीधा डाला, और मुझे याद है जब हमने ये निर्णय लिया था कि 100% फार्मर के खाते में पैसा भेजेंगे, तो केंद्र सरकार ने रिटर्न में ये भेजा था कि हरियाणा मॉडल शुड बी रेप्लिकेटेड। और खुशी होती है आपके सवाल का जवाब देते हुए कि जो लोग इसका विरोध करते थे कि किसान के खाते में पैसा नहीं जाना चाहिए, आज उनकी सरकार ने पंजाब के अंदर 136 लाख मैट्रिक टन जो पंजाब ने प्रिक्योर करी और 13 तारीख को खरीद बंद करी, उसकी पूरी पेमेंट भी किसान के खाते में डालने का काम किया। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग आपकी जितनी बीट पंजाब के अंदर है फार्मर से जाके चर्चा करें, उनसे पूछे कि जो लोग कहते थे मंडियां बंद हो जाएंगी, क्या उन लोगों का जवाब नहीं मिला कि उन्हीं मंडियों में प्रिक्योरमेंट हुई मगर पैसा किसी और को नहीं, सीधा किसान को खाते में मिलने का काम। लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा है, चौधरी बीरेंद्र सिंह अगर आपने सुना हो देखा हो, उन्होंने फेसबुक भी लिखा है कि जो हिसार वाली घटना पर उन्होंने कहा है कि अब किसान अब ज़्यादा समय हो गया है, केंद्र सरकार तुरंत किसानों से बातचीत करके इसका हल निकाले, अब समय नहीं है, इसको जितनी जल्दी उसके इसका समाधान निकाले। केंद्र सरकार को मैंने भी लिखित में प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया था कि आप टीम गठित करो, केंद्र ने भी कई बार ये संदेश भेजा है इन 40 नेताओं को कि आप आकर चर्चा करो, विषय पर बात करो, मगर 26 जनवरी से लेकर 26 मई आने वाली है, उन 40 लोगों ने हजारों लोगों को अलग अलग धरना स्थल पर बैठा रखा है, पर उसके बावजूद भी वो चर्चा करने को नहीं आ रहे, ये साबित कर देता है कि उन लोगों की मंशा आज किसानी को बचाने की नहीं, अपने खुद के निजी फायदों की। और मैं तो देख के हैरान था हिसार की घटनाक्रम के अंदर जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके अंदर सिर्फ 2 ही नेता हरियाणा में मिले जो पहुंचे। आप खुद उठाकर देखो कि पंजाब से 34 नेता आए हो और पंजाब के 34 नेताओं में से एक नेता भी हरियाणा के किसान के साथ नहीं खड़ा हुआ। आज के दिन तो ये हालात है कि एजेंडा केवल मात्र कांग्रेस का, और जो छोटी पार्टियां और बची हैं प्रदेश में उनका रह गया है, और वो अपनी राजनीतिक रोटी इस आंदोलन के नाम से। सर व्यापारी वर्ग आपकी तरफ देख रहा है, 3 सप्ताह तक लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया, अब 50% कम करीब केस आ चुके हैं, कब तक और लॉकडाउन रखने का मतलब? हमने इस हफ्ते के अंदर रिव्यू करना है, मैं भी SOCHM के
और अलग अलग एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ आने वाले दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंस करूंगा, और अगर उनकी मांग होगी तो जरूर आने वाले हफ्ते के अंदर, अगर डाटा ऐसे स्टैग्नेंट रहा और कोविड के नंबर्स में स्पाइक नहीं आया तो जरूर स्टेट रिलैक्सेशन अलग अलग चीजों में दे सकती है जिससे बैक टू नॉर्मलसी लाइफ आए। बिल्कुल दिया जा रहा है, और इसके अंदर हमारे जितने नंबरदार थे उनको भी हमने इंक्लूड करने का काम किया, BOCW के जितने हमारे मेंबर थे उनको भी आयुष्मान भारत के अंदर इस साल हमने इंक्लूड किया। मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ कि हमें जहाँ से भी समस्या का पता चलता है कि इधर कोई आउटब्रेक है या कोई इस तरह की घटना हुई है, तुरंत हमारी मेडिकल टीम्स पहुंच जाती है, जिसके लिए पिछले दिनों हेल्थ डिपार्टमेंट ने NHM, आशा वर्कर और साथ में 3 और मेडिकल वॉलंटियर्स की टीम बनाई है, जो प्रत्येक गांव में डोर टू डोर सर्वे कर रही है। आज के दिन हमारी आबादी लगभग 2.5 और 3 करोड़ के बीच की है, फिर भी अगर आप पूरे देश का डाटा उठाकर देखेंगे तो हरियाणा उन स्टेटों में रहा है जिसके अंदर टेस्टिंग सबसे ज्यादा हुई है और रिकवरी रेट भी वन ऑफ द बेस्ट है। मिल गया आंसर। सर एक सवाल, ये सर हिसार की घटना के लिए आप बेसिकली जिम्मेदार मानते किसे हैं? क्योंकि पुलिस और किसानों के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें कई लोग घायल हुए, पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए, किसान भी घायल हुए, आपके नजरिए से आखिर इसका दोषी है कौन? मैं तो ये मानता हूँ जिन्हें उकसाने का काम किसको मानते सर? अब तो वैसे तो आप कांग्रेस को बता रहे थे सारे कांग्रेस जो है प्रोपेगेंडा चलानी है, फेसबुक पे वीडियो देख लो उकसाया किस किस। चलो थैंक यू।